रेन इंडस्ट्री कंपनी का स्टॉक का प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है मंडे का? तो दोस्तों देख सकते हो आज के दिन में भी इसने 5% नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो इस स्टॉक के ऊपर उम्मीद करना बहुत ही ख़राब हो सकता है। ठीक है, उम्मीद मत रखे, आपकी ये स्टॉक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे देगा मंडे पर। ठीक है, तो इसका अगर अपर टारगेट के बारे में बात किया जाए तो 178 रुपीज़ मानकर चल सकते हो, और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए तो 167 रुपीज़ इसका लोअर टारगेट रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये कैंडल स्टिक के ऊपर बेसिस करके बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस स्टॉक के बारे में भी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, उसके बाद ये वीडियो बन रहा है दोस्तों। ठीक है, पीछे कह सकते हो कि बहुत बड़ा एक टीम है जिसके वजह से ये स्टॉक का बारे में आपको रिपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, पर उसके बाद भी दोस्तों हमारा एनालिसिस कभी कभार गलत भी हो सकता है। ठीक है, और यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और हम किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए किसी को भी एडवाइस नहीं देते दोस्तों। ठीक है, तो अगर किसी फील्ड पर खुद का नॉलेज नहीं होगा तो उस फील्ड पर टिक नहीं पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो खुद को भी नॉलेज गेन करना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।